ठीक ओके सर, ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। हाँ, बेसिकली इनकम टैक्स क्लास एंड हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी पे, नहीं ना? क्या सर, बोलो, याद आ रहा है क्या? तो सैलरी में मैंने लास्ट क्लास आप लोगों को सैलरी के बारे में कुछ बेसिक आइडिया दिया था, है ना? बेसिक आइडिया इन द सेंस, जैसे मानो सैलरी क्या है, सैलरी में क्या रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कौन होते हैं, कब सैलरी चार्ज होता है, चार्जिंग सेक्शंस क्या है, याद आ रहा है ना? उनके क्लास में ओके सर, तो ये मेरा लास्ट क्लास का डिस्कशन था। यहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सैलरी के बारे में कुछ ओवरव्यू भी दिया था, क्या क्या सेक्शंस वगैरह आता है सैलरी के अंदर, इसके बारे में भी मैंने बात किया था। तो आज मैं आप लोगों को सैलरी के अंदर थोड़ा डिटेल्स में लेके जाना है, ठीक है? थोड़ा सा डिटेल्स में सैलरी के बारे में बात करना है, और फिर घर पे कुछ क्वेश्चंस भी करने के लिए देंगे, और क्लास में भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने का इच्छा है सर। लेकिन उससे पहले सैलरी का एक कंप्लीट प्रोफॉर्मा जानना जरूरी है। कंप्लीट प्रोफॉर्मा इन द सेंस कि सैलरी जो चैप्टर है, सैलरी में जो जो एरिया कवर करना होता है, इसके अंदर हमें जो जो टॉपिक कवर करना होता है, क्या क्या जानना है, ये सारा चीज़ आपको प्रोफॉर्मा में पता चलता है। जैसे ये सिंपल एक प्रोफॉर्मा था कि कोई भी सैलरी उठा लो, आप कोई भी सिंपल सैलरी का कॉन्सेप्ट उठा लो, आपके लिए इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट हो जाता है सर कि व्हाट इज बेसिक, व्हाट इज डीए, व्हाट इज बोनस, व्हाट इज फीस एंड कमीशंस, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या है, ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, अलाउंसेस क्या है, पाकविजेस क्या है। लेकिन अगर इसको अगर डिटेल्स में थोड़ा जानना है तो कंप्लीट प्रोफॉर्मा में बात करते हैं। तो चलो, कंप्लीट प्रोफॉर्मा मैं सोचता कि नहीं कराऊं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं कराना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट प्रोफॉर्मा करेंगे ना तो सैलरी का एक कंप्लीट आइडिया आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन आंसर पे डिस्कशन चालू होगा, ठीक है सर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ? हाँ सर। हाँ सर। सेक्शन 15 से लेके कहाँ तक सैलरी का डिस्कशन होता है नॉर्मली, कल बताया था आप लोगों को? से लेके 17 ना सर, बोलो। सैलरी का जो सेक्शन एरिया है वो मेनली 15 से लेके 17 का एरिया है, जहाँ पर सेक्शन वाइज सैलरी को डिस्कस किया गया है। तो ओवरऑल तो सैलरी 15 से 17 के अंदर है, बट साथ में कुछ कनेक्टेड सेक्शंस भी आपको मिलेगा। तो सेक्शन 15 टू सेक्शन 17, इसमें जो सैलरी है इसका हेडिंग कर लो, हेडिंग कर लो सर, प्रोफॉर्मा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरीज। उसमें एक काम करें सर, एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाएं, एंड दूसरा अमाउंट का कॉलम। सर अमाउंट एक तो है ना, दूसरा करो वो अच्छा, दो कर ले, एक इनर एक आउटर, ठीक है ओके सर। तो जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूँ, सैलरी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो माना जाता है, दैट इज बेसिक सैलरी, ठीक है? बेसिक सैलरी जो भी आपको गिवन रहेगा उसका एक आपको एनुअल वर्जन कैलकुलेट करना है, और फिर उसके हिसाब से हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ऐसे सैलरी का टैक्स कैलकुलेशन करके जमा करना सबसे आसान माना जाता है, बट फिर भी देर इज नॉट अ सिंगल थिंग, देर आर लॉट्स ऑफ थिंग। तो
जब ओवरऑल आइडिया क्लियर हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बेसिक सैलरी बेसिक के साथ कल भी बताया था क्या होगा सर, फीस और कमीशन। कमीशन का भी कुछ टाइप्स होता है, लाइक एक होता है आपका टर्नओवर के बेसिस पे, एक होता है आपका फिक्स्ड बेसिस पे, ठीक है। तो मैं आगे आगे चर्चा करता हूँ आपके साथ कि टर्नओवर बेसिस में कमीशन का क्या ट्रीटमेंट है, फिक्स्ड में क्या करना है, ये सब आउटर में कर दो सर, ठीक है। जब एडजस्टमेंट होगा तो इनर में दे दूँ, ठीक है। तो ये आ गया आपका बेसिक्स, फीस एंड कमीशंस। पॉइंट नंबर थ्री में बोनस दे दो, पॉइंट नंबर फोर में सर हम लोग थोड़ा सा अलाउंस के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में बात करेंगे अलाउंस के बारे में। अब अलाउंस में क्या करना है, अलग अलग अलाउंसेस को पहले लिख लेंगे फिर बाद में आउटर में देंगे, ठीक है। तो जैसे अलाउंस में भी कुछ टाइप्स है, बेसिक के ऊपर से डीए टाइप होगा ना, बेसिक के ऊपर डीए। नहीं, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफार्मा के अंदर क्या किया, बेसिक फीस कमीशन बोनस और अलायंस के अंदर डीए को देता हूँ, बिकॉज अलायंस डीए तो एक अलायंस है ना। हाँ सर, इसलिए मैं डियरनेस अलायंस को यहाँ पर सिंपल प्रोफार्मा में आप बेसिक प्लस डीए इस तरह से बात करते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि मैंने थोड़ा सा अलायंस को अलग हेड किया इसलिए मैं अलायंस को थोड़ा अलग किया, ठीक है। तो डियरनेस अलायंस का जो भी वैल्यू होगा उसको भी आप आउटर में। लेकिन अब पॉइंट नंबर बी, सैलरी डीए बेसिक हो गया, डीए हो गया। अब इसमें आप एक काम करो सर, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अलायंसेस हैं जिसको हाउस रेंट अलायंस कहा जाता है। मतलब कंपनी क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है, मतलब घर प्रोवाइड, घर का रेंट प्रोवाइड करता है, घर नहीं देता, घर का रेंट प्रोवाइड करता है। हाउस रेंट अलायंस मतलब एम्प्लॉय जिस शहर में रहेगा, जिस सिटी में रहेगा, वो सिटी में रहने के लिए उसको रेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगा। तो जैसे हाउस रेंट अलाउंस या फिर पॉपुलरली एचआरए कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, एचआरए, समझ रहे हैं ना सर। ये सभी सैलरी का पार्ट है, दैट कैलकुलेशन में कुछ फर्क आपको नजर आएगा। तो एचआरए, एचआरए का जो कैलकुलेशन या एचआरए का जो सेक्शन है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि एचआरए का क्या कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा यहाँ पर भी कुछ दे सकते हैं, चलो कुछ कुछ रूल्स जान के ही चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एचआरए का रूल्स ऐसा होता है, जो भी एचआरए अलाउंस आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिए सर बात को, जो भी अलाउंस आपको मिलता है यहाँ से आप कितना अमाउंट लेस करोगे, मतलब कितना एग्जेम्प्टेड करोगे और कितना टैक्सेबल होगा, इसमें लिख दो। Least of the following is exempt. तो ध्यान से सुनिए सर, हम लोग एक्चुअली प्रोविजंस को पढ़ते पढ़ते चल रहे हैं ताकि आपको याद भी कर आ जाए और आगे जाके जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हाउस रेंट अलाउंस जितना भी आपको मिलेगा कंपनी की तरफ से, आप अपने आप को क्या सोचते हो, आप अपने आप को एक एम्प्लॉई सोचो, अच्छा रहेगा ना। मतलब assume that you are an employee of an organization, so it will help you to understand. The least of the following is exempt. So agar aapko company ki taraf se HR milta hai, ab isme se kya amount aapko exempted hoga wo janna hai. To ye jo bhi exempted hota hai na, ye as per section 10 as per section 10 subsection kya hoga, 13A, theek hai। सेक्शन ए सबसेक्शन 13A के तहत ये एग्जेम्पशन आपको दिया जाएगा सर, जिसमें जो एग्जेम्पशन आपको मिलेगा दैट इज इसमें तीन पॉइंट है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें बेसिकली तीन पॉइंट है। एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड, इसका जो वैल्यू होगा। नेक्स्ट, रेंट पेड, जितना रेंट आप पे करोगे माइनस 10% ऑफ सैलरी,
फॉर द रेलिवेंट पीरियड। एचआर एक्चुअली रिसीव्ड रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड। दिस इज द सेकेंड पॉइंट। And there is a third point. ₹50% of salary morning sir, morning Snesh, morning Rishabh, morning Neil, if accommodation is located in Mumbai, if accommodation is लोकेटेड, मतलब आपका एकोमोडेशन कहाँ है, इससे डिपेंड करता है सर। पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्ड, थाउजेंड अलायंस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम, जिसमें एचआरए एक्चुअली रिसीव्ड कितना है, दिखाई दे रहा है ना सर, ध्यान से देख लो। जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया, आप लोग एक काम कर सकते हो, थोड़ा सा स्क्रीन शॉट ले लो, शायद हेल्प हो जाए, ठीक है, या फिर बाद में वीडियो एक बार रिवाइज कर लेना तो भी हो जाएगा। जितना आपको एचआरए मिलेगा वहां से कुछ अमाउंट आपको एग्जेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, बट कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट करने का मौका मिलेगा उसका कुछ रूल्स है जो सेक्शन 10 सबसेक्शन 13 ए में कहा गया है, जिसमें एचआरए एक्चुअली रिसीव कितना है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी कितना है फॉर द रेलिवेंट पीरियड, एंड 50% ऑफ सैलरी इफ एकोमोडेशन इज इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। पॉइंट टू बी नोटेड सर, इफ एकोमोडेशन इज इन कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मैं इसको इधर लेके चलता हूँ, ठीक है, आप लोग नीचे नीचे करते जाइए। तो मैंने क्या लिखा है, इफ एकोमोडेशन इज इन, इफ एकोमोडेशन लोकेटेड इन मुंबई, क्या मैं मुंबई लिखा दिया था सर, इफ एकोमोडेशन इज लोकेटेड, लोकेटेड के बाद लिखो लोकेटेड इन मुंबई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई। सर ये चार क्या है, सर दीज फोर आर आवर इंडियाज फोर ओल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज, ठीक है सर। अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज बढ़ चुका है, लाइक अभी चार की जगह आठ मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, मतलब जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, और भी ज्यादा हो रहा है डे बाय डे, बट जो पुराना चार है टैक्स में अभी भी उसी को रखा गया है। So as you can see it here easily, this is a Mumbai, this is Kolkata, this is Delhi, and this is Chennai. ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सर, हेलो, चार प्रांत में चार, साउथ में चेन्नई, वेस्ट में मुंबई, ईस्ट में कोलकाता, एंड नॉर्थ में दिल्ली। ये चार सिटी में अगर आपको लोकेट किया जा रहा है और आपको एचआरए मिलता है तो आपको 50% ऑफ दी सैलरी माना जाएगा। इस चार सिटी को छोड़ के कोई और शहर में अगर आपको लोकेट किया जाता है तो प्रोविजन जो है 40% हो जाएगा, 40% ऑफ दी सैलरी इन एनी अदर केस, चाहे वो पटना हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो इंदौर हो, नागपुर हो, ठीक है, गुवाहाटी हो, ठीक है, इधर आपका मणिपुर में इम्फाल हो, ठीक है, अगरतला हो, मिजोरम में, मिजोरम का जो आइजल है, आइजल हो, ठीक है, जहां पर भी आपको लोकेट किया जाए। हाँ बोलो। माने सर जब सैलरी है तो 50% एक माइनस कर दो हो जाएगा। यस सर, ठीक है, 50% ऑफ सैलरी एग्जेंट हो सकता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, 50% ऑफ सैलरी इफ एकोमोडेशन इज लोकेटेड इन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुराना चार मेट्रोपॉलिटन सिटीज, एंड नहीं बोलेंगे 40% ऑफ सैलरी इफ एनी अदर सिटी फॉर द रिलेवेंट पीरियड।
तो ये हो गया आपका रूल्स, ठीक है। तो रूल्स क्या है एचआरए का, फिर ध्यान से देखें एक बार फिर से। सर आपको जो एचआरए मिलेगा वहां से आप क्या अमाउंट लेस कर सकते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आप लेस कर सकते हैं। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में आपके पास तीन ऑप्शन आया, एचआरए जितना आपको एक्चुअली मिलेगा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी ऑफ द रेलिवेंट पीरियड में जितना होगा, एंड 50% इन केस ऑफ दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई, एंड 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ एनी अदर सिटी। इन तीनों पॉइंट में से जो सबसे लोएस्ट होगा वो आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, जितना आपको इशारे मिलेगा, जितना आपको इशारे मिलेगा, पॉइंट बी नोटेड सर। से फॉर एग्जाम्पल आपको 50,000 का इशारे मिल रहा है और बाकी अमाउंट यूज करके देखा जा रहा है कि 30,000 का लीस्ट हो रहा है, सबसे कम हो रहा है, तो 50,000 से 30,000 चला जाएगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। सर जब क्वेश्चन करेंगे ना थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, बिकॉज मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको प्रोविजंस लिखा रहा हूँ। तो प्रोविजंस बताते बताते मुझे जितना मौका मिल रहा है मैं बता रहा हूँ आपको, तो पॉइंट टू बी नोटेड हियर, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी प्रोफॉर्मा बता रहा हूँ, तो प्रोफॉर्मा के अंदर जितना हो सकता है मैंने आपको कोशिश किया। आई होप कि समझ में आ ही रहा है। तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में ये जो भी आएगा उसको करने के बाद हमें प्रोफॉर्मा के अंदर ये देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर जैसे हम लोग अकाउंट अमाउंट को साइड में कर दिए थे, ठीक है, इसी तरह से एचआरए का भी जो अमाउंट होगा उसे भी हम लोग आउटर में, ठीक है, उसे भी आउटर में कर। अब एचआरए का बात हो गया सर, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोमपद, रोशनी, इंकी, नील, बोलो सर। दादा अभी हो गया बी पॉइंट, अब सी पॉइंट में क्या है? तो सी पॉइंट इज ये भी एक अलाउंस है, अभी हम लोग अलाउंस में ही बात कर रहे हैं, करेंटली हमारा जो डिस्कशन चल रहा है दीज आर ऑल अबाउट अलाउंसेस, है ना। एक अलाउंस होता है सर जिसका नाम है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्या मतलब, अगर आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपका जो भी चिल्ड्रन रहेगा तो उनके एजुकेशन के लिए कंपनी की तरफ से आपको कुछ बेनिफिट दिया जाता है, चाहे आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है। लेकिन सर कंपनी तो आपको बेनिफिट दे देगा, लेकिन सारा का सारा अमाउंट तो एक तरह का इनकम हो गया ना, तो कंपनी यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट करने का भी मौका देता है, ठीक है। तो इसमें आप लेस करने का मौका मिलेगा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस में 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम कितना चिल्ड्रन के लिए देगा बोलो, मैक्सिमम टू चिल्ड्रन। थैंक यू सर। दो बच्चा तक आपको बेनिफिट मिल सकता है, दो के ऊपर अगर एक्स्ट्रा कुछ भी हो जाए उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे एक कॉन्सेप्ट एक बार हमारा गवर्नमेंट कोशिश किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे, तो वेरी फेमस कॉन्सेप्ट, बट फेमस कॉन्सेप्ट इनफेमस हो गया था, हम दो हमारे दो, ठीक है, वो लागू हो जाना चाहिए था, तो ठीक है कि भारत में दो से ज़्यादा बच्चा पैदा करना सही नहीं होगा, ये रूल्स लाया गया था और ये रूल सही था, ये रूल सही था, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए सर। क्या है ना, हमारे देश में जनसंख्या को लेके बड़ा पॉलिटिक्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉलिटिक्स तो अपने जगह में है, बट डे टू डे क्या हो रहा है ना, लिविंग क्वालिटी डिटेरियरेट कर जाता है सर। तो जी जनसंख्या कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, इतना ज़्यादा स्पेशली ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, ये वाला जो जोन है ना, जो गैंजेस बेल्ट है सर, ये जो एरिया है इसमें कितना लोग रहते हैं जानते हो, इतना सा एरिया में क्या है इसमें, फिर इसमें बिहार है, यूपी है और बंगाल है, यहाँ पर रहते हैं 22 करोड़ लोग, देखो सर ना, यहाँ पर रहते हैं 10 करोड़ लोग और यहाँ पर रहते हैं 11 करोड़ लोग, तो कितना हो गया, कितना हो गया सर, 22, 32 मतलब 43 करोड़ लोग सिर्फ इसी जोन में रहते हैं। अब गंगा का क्या हालत हो रहा है समझ रहे ना, 43 करोड़ पॉपुलेशन सिर्फ इसी जोन में रहते, इंडिया का पॉपुलेशन है
140 करोड़, तो 140 करोड़ में तो 40 करोड़ इसी जोन में हो गया, बाकी जोन मिला के 100 करोड़। तो वैसे इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड है, बट इसमें सबसे डेंस एरिया जो है ये है जो मैं आपको इमेज में दिखाया, तो जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। जगह नहीं है तो घर बनाने का, कहाँ घर बनाओगे, कहाँ घर बनाओगे, जगह कहाँ है? सब कोई बोलेगा मेरा पर्सनल बंगला कहाँ बनाएगा, पर्सनल नहीं हो पाएगा, जगह का दाम भी फालतू का बढ़ रहा है। जनसंख्या में कंट्रोल करो, जगह भी दिखेगा, मिट्टी दिखेगा। दो दिन बाद ऐसा होगा ना कि खेती करने के लिए माटी नहीं मिलेगा, माटी समझते हो ना सर, खेती करने के लिए माटी नहीं मिलेगा। और इतना लोगों को खाना खाने के लिए इतना ज्यादा केमिकलाइज्ड खाना देना पड़ेगा, बिकॉज माटी का दम नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग केमिकल भर भर के माटी में मिला चुके हैं, यूरिया वगैरह मिला मिला के खत्म कर दिए। अब फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा, भले ही गंगा मैया कितना भी है आपका, है ना, गंगा इसलिए माँ है बिकॉज गंगा का जो मिट्टी है उससे इतना अच्छा खेती होता है कि 40-50 करोड़ लोग उसी पे डिपेंडेंट होके चल जाते हैं। मुश्किल तो यही है कि अगर हम लोग इस तरह से मतलब पूरा खत्म करेंगे पूरा कॉन्सेप्ट को, तो फिर मतलब बैलेंस पूरा बिगड़ जाएगा सर, पूरा बिगड़ जाएगा। तो इमीडिएट इफेक्ट में कुछ करना चाहिए, मतलब एक्चुअली इसमें क्यों नहीं कर पा रहे जानते हो, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं उसी में बवाल कर रहे हैं, है ना। अब ये बात करेगा तो और बवाल होगा, इंदिरा गांधी जी भी करने का कोशिश किया था, उनके साथ भी मुश्किल हुआ था उस टाइम पे, तो बवाल तो ये एक बहुत मतलब खतरनाक मुद्दा है। तो फिर चालू हो जाएगा, अब सरकार ये भी बोलेगा कि बच्चा कितना लेना है, भाई चाइना भी तो किया था, अब जरूरत पड़ने में करना पड़ेगा सर, मतलब जब सीधी उंगली से घी नहीं उगता तो फिर क्या करें, उंगली को टेढ़ा करो। अब एक एक घर में अगर अभी भी 10-10 बच्चा पैदा होगा तो क्या हालत हो सकता है, अल्लाह का देन हो या भगवान का आशीर्वाद हो, हाँ या फिर बाई गॉड्स ग्रेस जो भी हो, रीजन जो भी हो, लेकिन ऐसा थोड़ी है अल्लाह का देन या भगवान का आशीर्वाद। हाँ, पुराना जनरेशन ने जो गलती कर दिया कर दिया, सुधारना चाहिए। पुराना जनरेशन ने गलती तो किया सर, ठीक है, हमारा जो दादा परदादा का जनरेशन ने गलती तो किया, बट कम से कम आज का जनरेशन तो ये गलती ना करे, ठीक है सर। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलायंस में इनकम टैक्स भी आपको क्लियर कट बता रहा है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, ठीक है, इतने का बेनिफिट मिलेगा, बाकी जो भी है टैक्सेबल हो जाएगा, इतना एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं हम, इतना एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं, बाकी अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो जो भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस गवर्नमेंट आपको देगा वहां से आप माइनस करो और जो अमाउंट हो रहा है उसको आउटर में डालो। ठीक है, ये हो गया आपका 100 पर मंथ पर चाइल्ड का कॉन्सेप्ट। सर अलाउंस में और भी चीजें हैं, चलो देखते हैं और क्या है अलाउंस में। तब एक एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से मतलब एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर से और क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है सर। एक अलाउंसेस है चिल्ड्रेन हॉस्टल अलाउंसेस, यस सर, हॉस्टल में रहने का अलाउंसेस अगर कंपनी आपको देता है उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हो। बट सर देखो, कंपनी तो बेनिफिट आपको देगा लेकिन पूरा अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, कुछ एग्जेम्प्टेड हो जाता है, तो एग्जेम्प्ट के खाते में क्या जाएगा, चिल्ड्रन का हॉस्टल अलाउंस मिलेगा, बट इसमें आपको 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है, ये आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इसलिए लेस कर दिए सर, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा इसलिए लेस कर दिए, बाकी अमाउंट टैक्सेबल कैटेगरी में, ठीक है, याद रखिएगा सर। ये सब अलायंस का हिसाब चल रहा है कि कितना तरह का अलायंसेस पॉपुलर है, ठीक है, तो मैं पॉपुलर को ही यहाँ पर प्रोफार्मा में दे रहा हूँ, कुछ ऐसा भी होगा शायद प्रोफार्मा के अंदर इधर उधर हो जाए तो बाद में वो मैं बता दूंगा अगर कुछ मिस हो जाए। तो ई पॉइंट ट्रांसपोर्ट अलाउंस बोल के एक अलाउंस हो सकता है, कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्टिंग के लिए अलाउंसेस प्रोवाइड कर सकता है।
जैसे कंपनी में आने का खर्चा, जाने का खर्चा, ठीक है, तो कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कभी कभी प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको कंपनी ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्रोवाइड करता है तो जितना अमाउंट आपको मिलेगा यहाँ से आप कुछ लेस कर सकते हो, बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट सर, देयर इज अ कॉन्सेप्ट। रुपीज 3200 पर मंथ इन केस ऑफ, इसके लिए इन केस ऑफ लाइंस, हाँ बोलो, लाइन डिफ लाइन एंड डिफ एंड डाउन, वेरी गुड सर, वेरी गुड, लाइन डिफ एंड डाउन, अंधा, काला एंड बोबा, सही ना सर, अंधा, काला, बोबा, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में काला बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, गुंगा, नहीं गुंगा मतलब तो बोबा, काला को क्या बोलते हैं सर, काला ही बोलते हैं ना, हाँ क्या बोलते हैं, बहरा, बहरा, हाँ बहरा, बहरा हो क्या, यस सर भूल गया था, ठीक है, तो 3200 पर मंथ इन केस ऑफ ब्लाइंड, डीफ एंड डम, ठीक है। तो अगर कोई हैंडीकैप्ड है बेसिकली, ठीक है, अगर कोई आंख में नहीं देख पाते, डीफ है, डम है, तो बेसिकली हैंडीकैप है, इनको जो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलता है, ये एग्जेम्प्टेड हो सकता है 3200 पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, ये लेस हो जाएगा, बाकी होगा नहीं मिलेगा सर, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना सर। ये हो गया ट्रांसपोर्ट सर, और भी अलाउंसेस मिल सकता है क्या, हाँ मिल तो सकता है, बहुत सारा अलाउंसेस है सर, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मिल सकता है, एंटरटेनमेंट में कोई बेनिफिट नहीं है, तो बेनिफिट मतलब कोई एग्जेम्प्टेड नहीं, जो मिले, जो मिले क्या करोगे, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल है, यस सर टैक्सेबल है, लेकिन हाँ अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई, ठीक है, और अगर उनको एंटरटेनमेंट के लिए कोई पैसा मिलता है, ठीक है, वो अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ सकता है, वो मैं लास्ट में बताता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मत रुको, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लास्ट में उसका एडजस्टमेंट करवाऊंगा, वो सेक्शन 16 का एक कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर आता है सर, ठीक है, तो मैं आपको एंड में बताता हूँ कि किस तरह से, कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है सर, उसका कुछ हिसाब है सर, वो हिसाब के साथ ही बताऊंगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है, ठीक है, और लेकिन पूरा का पूरा नहीं, कुछ लिमिटेशन के साथ, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, और क्या सर जी, कुछ अदर अलाउंसेस भी कंपनी दे सकता है, इंक्लूडिंग ओवर टाइम या फिर सिटी कंपेंसेटरी, कल बता रहा था ना सर सिटी कंपेंसेटरी, हेलो, यस सर, सिटी कंपेंसेटरी का मतलब ये होता है ना कि अगर आपको मतलब एक सस्ता शहर से महंगा शहर में भेज दिया जाए, ठीक है, तो महंगा शहर में रहने का खर्चा मैनेज करना होगा, दैट इज द रीजन ना, इसलिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी को कोलकाता से बैंगलोर भेजा जाता है ऑफिस के तरफ से, मतलब जॉब शिफ्टिंग के लिए, एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाता है, फॉरेन भेज दिया जाता है, तो फॉरेन सिटी का भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है ना, तो फॉरेन सिटी अलाउंसेस मिल जाएगा आपको, इंडिया के अंदर भी सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस होता है, तो अगर कोई सिटी महंगा है तो उसका अलाउंसेस भी आपको दिया जाएगा, लेकिन इस तरह का अलाउंसेस क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल, मतलब ये आपकी इनकम के साथ जोड़ के आपको टैक्स लगा दिया जाएगा, ठीक है, तो ये है मोटा मोटी क्या है, ये जो भी मैं बोला, दीज आर ऑल अलाउंसेस, पॉपुलर अलाउंसेस, ठीक है, कुछ अलाउंसेस अगर मिसिंग है बाद में डिस्कस करूंगा सर, ठीक है, तो क्या क्या हो गया सर, इतना देर से मैं किस पॉइंट में बात कर रहा था सर, इतना देर से मैं बात कर रहा था बेसिक, उसके बाद फीस कमीशन, फिर बोनस, फिर मैं अलाउंस में बात किया, तो मैंने आपको इतना सारा अलाउंसेस, जीएनएस अलाउंसेस, एचआरए और बाकी अलाउंसेस में भी बातें की, ठीक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा अलाउंस छोड़ के कुछ और चीज़ में जाऊँगा, ठीक है, कुछ और चीज़ मतलब कंपनी की तरफ से और भी कुछ बेनिफिट मिल सकता है अपने एम्प्लॉय को,
लेकिन उस बेनिफिट का नाम अलाउंस नहीं है, उसका नाम है पार्क्विजिट्स। ठीक है, तो पॉइंट क्या देना है सर? जैसे यहाँ पर चार नंबर पॉइंट था ना, तो अभी आपको पांच नंबर पॉइंट देना है। ये चार के अंदर था, ठीक है, ये चार के अंदर था, अभी फिफ्थ पॉइंट में जाना है। समझ में आ रहा है ना सर? बस समझते हुए चलो, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट टैक्सेबल पार्क्स। प्यार से कहते हैं पार्क्स, बेसिकली पार्क्विजिट्स। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा सर पार्क्विजिट्स क्या है, अलाउंस और पार्क्विजिट्स में फर्क क्या है? बता दूंगा सर, डोंट वरी, वेट करो। लेकिन लिख लेते हैं पार्क्विजिट्स कितना तरह का हो सकता है। ये भी एक तरह का कंपनी अपने एम्प्लॉय को देता है, बेसिकली ये ना एज पर एग्रीमेंट होता है। कंपनी जब जॉब प्रोवाइड करते हैं, कंपनी ये एज पर कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। जैसे सबसे पॉपुलर वाला लेते हैं, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट भी, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आता है, जैसे अलायंस में एचआर इज वेरी पॉपुलर। ठीक है, अलायंस के अंदर एचआर पॉपुलर था, उसी तरह से पार्क्विजिट्स के अंदर पॉपुलर क्या है? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। समझ रहे हैं सर? रेंट फ्री एकोमोडेशन, आरएफए कहते हैं प्यार से। प्यार से क्या कहते हैं? आरएफए। अभी रेंट फ्री एकोमोडेशन का हिसाब किताब थोड़ा सा डिटेल्स में जानना है सर। इसका अलग 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 एरिया है सर। जैसे इसका तीन तीन चार अलग अलग सिचुएशंस हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा कैसा सिचुएशंस हो सकता है। पहले आप पहला पॉइंट तो लिखो, ठीक है, उसके बाद मैं दूसरा पॉइंट में बात करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ऐसा लिखो सर, वेयर, ध्यान से सुनना सर, एकदम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट है, जहां पर एकोमोडेशन वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉय। कहने का मतलब क्या है? अगर सरकार अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहा है तो क्या होगा? अगर बाकी कोई अदर एम्प्लॉयर, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर, सरकारी नहीं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट कोई एम्प्लॉयर अगर किसी को कुछ दे रहा है तो क्या होगा? तो ये हो गया दो सिचुएशंस। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में भी अलग अलग कुछ फर्क आता है, मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको देख लेते कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉय को एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं तो इनका हिसाब क्या होता है, पहले ये जान लो। वैल्यूएशन कैसे होता है? हड़बड़ नहीं सर, सीखना है। हड़बड़ करके क्या होगा? सीखोगे तो काम आएगा, हड़बड़ करोगे तो भूल जाओगे। लाइसेंस फी, मतलब ये जो आरएफए, मतलब जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है, उसका जो लाइसेंस फी है, डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो लाइसेंस भी डिसाइड करेगा वहां से लेस करो रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, रेंट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉयर, मतलब जितना सरकार ने बोला और एक्चुअल में कितना पेमेंट किया, इसका जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो आपका वैल्यू ऑफ रेंट फ्री में आएगा, जो आप यहां पर आउटर में बता रहे थे। ठीक है, जितना सरकार ने डिसाइड किया और जितना एक्चुअली एम्प्लॉयर ने पे किया, रेंट एक्चुअली पेड बाय द एम्प्लॉयर, क्योंकि रेंट फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉय के हाथ में तो नहीं जा रहा है ना, एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। अब बात समझ रहे हो क्यों एम्प्लॉयर लिखा है यहाँ पर, एम्प्लॉय नहीं लिखा? ये एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय नहीं है, मतलब रेंट फ्री है। मतलब आप अगर एम्प्लॉय हो, अगर आप टाटा के एम्प्लॉय हो,
ठीक है, टाटा तो सरकारी नहीं है, अगर आप कोई गवर्नमेंट कंपनी लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल, हाँ सर, मतलब कोई भी सरकारी, सेल वेल, हाँ, नवरत्ना, कोई भी, हाँ, गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट बैंक्स, रेल, ठीक है, अगर सरकार ने जो डिसाइड किया और एम्प्लॉयर ने जितना पे किया, ठीक है, इसका जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इज सेकंड सिचुएशन, ये पहला सिचुएशन था। दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है वेयर द एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड बाय एनी अदर एम्प्लॉयर मीन्स मतलब सरकार नहीं, सरकार को छोड़ के कोई और, ठीक है, इसमें खेल थोड़ा अलग हो जाएगा, ध्यान से सुनिए बात को। अगर एकोमोडेशन गवर्नमेंट नहीं, नॉन गवर्नमेंट कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है, इसमें भी फिर अलग अलग कंडीशंस है। सर ये कैसा कंडीशन है, कैसा ये कंडीशन है समझना पड़ेगा ना। यस, चलो समझते हैं। फर्स्ट कंडीशन सर, यहाँ पर शहर का बहुत बड़ा, सिटीज मतलब जो बड़ा शहर है, छोटा शहर है कि मझला शहर है, मीडियम टाइप शहर है, ठीक है, तो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख फॉर द बिग सिटीज एज पर 2001 सेंसस। अच्छा, सेंसस को अभी पुराना रखा है, मतलब लेटेस्ट में तो 2011 था और 2011 के बाद 2021 का सेंसस होने वाला था। आई डोंट नो, देखो 2021 में सेंसस हुआ है कि नहीं, बट 2001 के बाद भी एक सेंसस हुआ है। सेंसस मतलब जनगणना है ना, पॉपुलेशन काउंटिंग। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट 2001 का सेंसस को ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेंशन किया। तो सिटीज हैविंग पॉपुलेशन ग्रेटर देन 25 लाख एज पर 2001 सेंसस। अगर 25 लाख से ऊपर वाला शहर है तो उसमें रूल ऐसा है, रूल क्या है, 15% ऑफ सैलरी, याद रखिएगा सर, सैलरी का 15% इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन, मतलब जितना दिन वो ऑक्यूपाई करके रखेगा, ठीक है, 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अपने तरफ से कोई अमाउंट जमा किया, अगर किया है तो तब माइनस होगा, अदरवाइज। तो 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, दिस इज द रूल्स, ठीक है, ये एक आपका अमाउंट का हिसाब आ सकता है। और क्या हिसाब आ सकता है सर, सिटी का पॉपुलेशन, सिटीज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 10 लाख बट लेस देन इक्वल्स टू 25 लाख एज पर 2001 सेंसस। इस केस में रूल थोड़ा बदल जाएगा और यहाँ रूल है 10% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड एम्प्लॉय, सेम कॉन्सेप्ट, बस 15 के जगह 10% हो गया, बाकी जो था वही है। तीसरा कंडीशन, अनदर कंडीशन, थर्ड थर्ड सिचुएशन इन अदर सिटीज, मतलब उससे भी कम जनसंख्या वाला, सेवन पॉइंट फाइव परसेंट, मतलब 15% 10% अब आ जाएगा
7.5% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम सेम कॉन्सेप्ट. ये अमाउंट आ सकता है. तो अगर मैं क्या अमाउंट आ सकता है अगर मैं इसका बात करूं तो हमारे सामने क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है सर? सर देखो सर, सरकार का समझ में आ गया, सरकार का जो वैल्यूएशन डिटरमाइन होगा और रेंट जितना एम्प्लॉयर ने देगा वो अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा. ठीक है, ये एडजस्ट होके इधर जाएगा. लेकिन अगर अगर कोई दूसरा एम्प्लॉयर है, मतलब सरकार नहीं है, तो उसमें डिसाइड किया जाएगा कि सिटी कौन सा है, कहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है. अगर सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा तो 15% ऑफ सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. अगर सिटी का पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ द सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. एंड इन एनी अदर सिटीज दिस विल बिकम 7.5% ऑफ सैलरी, मतलब 7.5% ऑफ द सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ ऑक्यूपेशन माइनस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. अगर आपको मैं इसको इंडिया के सिटी के हिसाब से बताऊं तो पॉपुलेशन वाइज सिटी इन इंडिया इसमें ट्रिकी है. मैं कभी कभी सर्वे करता हूँ, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन सर 25 लाख के ऊपर तो नो डाउट पहला चार सिटी आ ही जाएगा ना. हाँ, सिटी मेन सिटी ये देखो, ये 2001 का है और ये 2011 का है. मतलब इससे ये चीज़ क्लियर हुआ कि लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है 2011 लास्ट है, अभी न्यू सेंसस आया नहीं है. मोस्ट प्रोबली 21 में आना था, हुआ है कि नहीं, कोरोना के कारण हुआ नहीं लगता. सर मुंबई का 2001 में सेंसस पॉपुलेशन बता रहा है सर कितना, 1,19,00,000 है ना. 2001 का सेंसस बता रहा है 1,19,00,000, हमारा रूल से ग्रेटर देन 25 लाख. तो मुंबई 1,19,00,000, दिल्ली है 9,87,9172, करेंटली दिल्ली है 1,10,00,000 और बॉम्बे है 1,24,00,000. बैंगलोर इसका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है. देख सर, देख पा रहे हो, लास्ट 10 साल में भारत में जो शहर में पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है उसमें सबसे भयंकर ग्रोथ हुआ है बैंगलोर में. बिकॉज भारत में अभी जॉब कहाँ है. हाँ सर बोलो. इससे आपको पता चलेगा, पॉपुलेशन ग्रोथ से पता चलेगा कि आपका शहर डेवलप किया है कि दूसरा शहर डेवलप किया है. फालतू में झगड़ा करके फायदा नहीं है, है ना. हम लोग कई बार दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं, तर्क करते हैं कि किसका शहर में काम अच्छा है, किसके शहर में पैसा अच्छा है. यही तो बता दे रहा है सर कि 4 लाख का पॉपुलेशन वाला शहर, सॉरी कुछ गलत बोल दिया क्या, 1 करोड़, ओ सॉरी 9 लाख नहीं, ये 98,00,000 था, ये 43,00,000 था. बैंगलोर 43,00,000 का एक सिटी था. अभी बैंगलोर का पॉपुलेशन 10 साल में 84,00,000 हुआ है, डबल हुआ है, डबल. हैदराबाद 36,00,000 का शहर था, 68,00,000 का हुआ है. अहमदाबाद 35,00,000 का शहर था, 55,00,000 हुआ है. कोलकाता नहीं, चेन्नई, चेन्नई 43,00,000 का शहर था, 46,00,000 हुआ है. सर कोलकाता इज द ओनली डिफरेंसेस जहां पर सिटी का पॉपुलेशन कम हुआ है. 45,00,000 का पॉपुलेशन 2001 में 44,00,000 हो गया. कुछ नजर आ रहा है सर? अब 2021 में क्या हुआ वो तो देखना पड़ेगा, बट ये डेटा से भी आपको कुछ समझ में आ रहा है. इतना सारा बिग सिटीज, जिसमें कोलकाता भी बिग सिटीज के अंदर हमेशा काउंट होता था. मतलब अगर मैं पुराना रैंकिंग देखूं तो पुराने रैंकिंग में मुंबई दिल्ली के बाद कोलकाता हुआ करता था.
इवन अप टू 2001, लेकिन न्यू रैंकिंग में तो कोलकाता 7 नंबर में आ गया है। इवन सूरत 24 लाख का एक शहर 44 लाख में आ गया है। मतलब कितना ज्यादा वर्क है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप सूरत जाओगे ना, आप ज्यादातर वहां पर बंगाली नजर आ जाएगा आपको, मतलब वेस्ट बंगाल में लोग भी भागा भागा उधर ही चला गया। पूना 25 लाख का एक शहर 31 लाख, जयपुर भी 23 लाख से 30 लाख में पहुंचा, लखनऊ 21 लाख से 28 लाख में पहुंचा, कानपुर 25 लाख से 27 लाख, नागपुर 20 लाख से 24 लाख में पहुंच गया। अच्छा, नागपुर मतलब 25 लाख से कम है। हाँ सर, नागपुर 25 लाख से कम है। तो फिर भारत में 25 लाख के ऊपर शहर कितना है? 12। देयर इज 12 सिटीज ऐसा है जिसका पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं। स्टार्टिंग होता है मतलब सेकेंड कैटेगरी में सबसे बड़ा शहर नागपुर ही है। ठीक है, मतलब टीयर 2 सिटीज कहा जाता है इसको। और ये जो टॉप 12 में बोला, इसको टीयर 1 सिटी कहा जाता है सर। देयर इज 12 टीयर 1 सिटी इन इंडिया। टीयर 2 में ऐसे 10 लाख के ऊपर भी टीयर 1 आ जाता है। नागपुर आप समझ सकते हो एज पर द काउंटिंग। नागपुर, नागपुर के साथ साथ कहाँ चला गया? इंदौर, इंदौर में भी काफी डेवलपमेंट रहा है। थाने, भोपाल, विशाखापत्तनम, पिंपरी, चिंचावाड़, ये जो है ना सर, ये बेसिकली पूना के साथ कनेक्टेड एक शहर है। पूना के साथ कनेक्टेड एक शहर है पिंपरी चिंचावाड़, आप लोग जानते हो? हाँ, यस सर। कैसा? पटना, वडोदरा, गाजियाबाद, लुधियाना, ठीक है, ये सब बाकी शहर का लिस्ट है। अब आप जाके बाकी चेक करो सर। ठीक है, बाकी आप बैठे बैठे चेक करो। तो ये लिस्ट से आपको काफी कुछ समझ में आएगा, काफी कुछ समझ में आएगा। कितना शहर है सर? शहर है हमारे देश में 323 का लिस्ट बता रहा है। 323 सिटी है, मतलब सिटी एंड टाउन्स मिला के एज पर दी पॉपुलेशन। चलो गुड, अच्छा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर बोला है क्लास 1 टाउन्स और सिटीज जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है। 46 सिटीज विद पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन एंड अबव आर नोन एज मिलियन प्लस सिटीज, एंड द 3 द यूएस ऑफ द मेगा सिटी कहते हैं जिसका पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज्यादा है, वो मेगा सिटी में आता है। ठीक है, मेगा सिटी में आता है, जिसमें मेगा सिटी में बेसिकली मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। अब मेगा का कॉन्सेप्ट अलग है, मेगा सिटी वाइज देखोगे तो कोलकाता का पॉपुलेशन इससे भी ज्यादा है। ठीक है, उसका अलग काउंटिंग है सर। ठीक है, मतलब तब कोलकाता मतलब सिर्फ कोलकाता नहीं, तब कोलकाता मतलब आसपास का डिस्ट्रिक्ट मिला के हुगड़ी, हुगली, हावड़ा, ठीक है, हावड़ा, हुगली, ये सब लेके आ जाता है। ठीक है, जहां जहां कोलकाता का पिन कोड स्प्रेड कर गया ऑलमोस्ट, वो अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो एक शहर का आइडिया ले लिया ना सर, अब आगे से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चलो सर, आइडिया होना चाहिए, भारत का आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो हम लोगों को समझ में आ गया सर रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या हो सकता है। हाँ सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन में क्या हो सकता है, इसका आइडिया लग गया। यस ना, लेकिन अभी भी कुछ केस बाकी है सर। यहाँ पर हम लोगों ने दो ऐसा एजम्पशन देखा, दो ऐसा कंडीशन देखा प्रीक्विजिट्स में, इसमें वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसमें आपने क्या देखा, पहला कॉन्सेप्ट ऐसा था गवर्नमेंट का है, एम्प्लॉय को दे रहा है सरकार का, दूसरा है नॉन गवर्नमेंट का, सिटी वाइज हिसाब किताब क्या है। ठीक है, अब इसमें से जो भी हिसाब होगा वो यहाँ पर अमाउंट में बैठ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, जो भी हिसाब होगा, जैसे कि ये सेकेंड कंडीशंस का बात मैं कर रहा हूँ, जो भी हिसाब होगा वो एज पर दिस कॉन्सेप्ट यहाँ बैठेगा। ठीक है, लेकिन करेंटली मेरा डिस्कशन थोड़ा सा इसी पॉइंट में और एक हटके पॉइंट है इसी आरएफए में। सर यहाँ पर अगर घर जो है, ये जो आरएफए रेंट फ्री जो अकोमोडेशन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर,
लिखो सर, हेडिंग करो, इफ एकोमोडेशन इज टेकन ऑन लीज और रेंट बाय द एम्प्लॉयर. ध्यान से सुनिए बात को, जिसमें आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दिया जा रहा है, वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे लेके आपको दे रहा या लीज पे लेके आपको दे रहा है, तब आपका हिसाब क्या होगा? तब कितना अमाउंट टैक्सेबल में जाएगा और कितना अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा? इसका क्या हिसाब है? इसका हिसाब है ऐसा, लोअर ऑफ लीज रेंटल पेड और पेएबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी लेस रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय. ठीक, ये हो जाएगा हिसाब. लोअर ऑफ द लीज रेंटल पेड और पेबल, मतलब जितना अमाउंट और लीज रेंटल के हिसाब से एम्प्लॉयर पे करेगा, लोअर ऑफ द लीज रेंटल पेड और पेबल बाय द एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी, मतलब 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंटल में से जो लोअर होगा वो लिया जाएगा. पॉइंट टू बी नोटेड सर, 15% ऑफ सैलरी और लीज रेंटल में जो लोअर होगा वो लिया जाएगा और वहां से रेंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय कुछ होगा तो उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो बाकी अमाउंट टैक्सेबल्स में आ जाएगा, रेंट फ्री अकोमोडेशन का जो टैक्सेबल अमाउंट है. ये कब होगा? ये कब होगा सर? सर जब एकोमोडेशन एम्प्लॉयर लीज पे या रेंट पे लेके आपको रहने के लिए देगा. हेलो, टेल मी सर, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट. कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बोलो सर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. अरे माइनस करो, आउट ऑफ कॉलम चले जावे तो. आउटर कॉलम मतलब यही वाला बात, दिस वन तब ये सारा एक ही पॉइंट में चल रहा है, जो भी होगा उस हिसाब से आउटर कॉलम में आरएफए में बैठ जाएगा. ठीक, समझ में आया? यस सर. ठीक है सर, ये हो गया आरएफए का बात. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्कोजिट्स है. ठीक है, जैसे वहां पर एचआरए था, ऐसे ये आरएफए हैं और इसका अलग अलग टाइप्स भी बता दिया आपको. अब चलते हैं पॉइंट नंबर बी पे, पार्कोजिट्स का पॉइंट नंबर बी, ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर. बात को समझे, ऑब्लिगेशन मतलब क्या? आपको पेमेंट करना है, बट आपका पेमेंट, मतलब आप कौन हो? आप एम्प्लॉय हो, आपका पेमेंट आपका कंपनी कर रहा है, आपका एम्प्लॉयर कर रहा है. ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज बाय एम्प्लॉयर. फॉर एग्जांपल, प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर. सर सरकारी एम्प्लॉय के केस में छूट है, बट बाकियों के लिए नहीं. प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर. अगर एम्प्लॉयर आपका प्रोफेशनल टैक्स पे कर देता है तो ये आपके लिए इनकम माना जाएगा और ये आउटर कॉलम में इनकम में ऐड हो जाएगा. ठीक है, लेकिन हाँ इसका एक एक्सेप्शनल है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सेक्शन 16 सबसेक्शन 3. ठीक है, उसमें प्रोफेशनल टैक्स का अलग से एक हिसाब है, आपको बताते हैं बाद. तो ये हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी या पॉइंट सी में चलते हैं, मतलब ये पार्कोजिट्स हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर टू इफेक्ट an assurance
of the on the life of the employee. Or to effect a contract for an or to effect a contract for annuity. What is this, sir? मतलब कुछ ऐसा है कि अगर मानो कि किसी employee के life का कोई insurance है. Assurance मतलब क्या? Life का insurance. कोई बड़ा सा एम्प्लॉयर है जो इसका कंपनी में बहुत ज़रूरत है, ऐसे कंपनी का इंश्योरेंस भी एम्प्लॉयर मिटा रहा है. समझ रहे सर? कुछ भी हो जाएगा कंपनी देख लेगा. तो जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर इसके पीछे खर्चा करेगा, जितना एम्प्लॉयर इसके पीछे खर्चा करेगा उतना अमाउंट आउटर में आता है. मतलब ये इनकम टैक्स के अंदर टैक्सेबल इनकम माना जाएगा. सिंपल बात है, टैक्सेबल इनकम माना जाएगा, टैक्सेस हो जाएगा. ठीक है, ये पॉइंट सी था. समझ में आ रहा है ना सर सबको? बोलो. हाँ सर. ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं. पॉइंट डी, देखो सर, ये सब बात याद रखना पड़ेगा. अमाउंट और एग्रीगेट एग्रीगेट बनन क्या होता है? ये जबल जी ना, ए डबल जी. अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट of any accommodation amount or aggregate of amount of any contribution made. जैसे एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉई के तरफ से कंट्रीब्यूशन कर रहा है इन ए रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड. कभी एक लिमिटेशन है कितना अमाउंट कर सकता है, एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर जाएगा तो टैक्सेबल होगा. वो मैं आरपीएफ में बताऊंगा आपको. इसके छोड़ के आरपीएफ में भी तो दे सकता है, साथ में इन एनपीएस. एनपीएस जानते हैं आप लोग? नेशनल पेंशन. थैंक यू सर. नेशनल पेंशन स्कीम रेफर्ड इन सेक्शन, इसके बारे में डिडक्शन मिलता है 80 CCD सबसेक्शन 1. ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा जब डिडक्शन का चैप्टर में बताऊंगा, या फिर अगर आप लोगों ने किसी ने किया डिडक्शन तो जरूर सुन के आए होंगे. सो इन एनपीएस रेफर्ड इन सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 1, या फिर इन एन अप्रूव्ड गवर्नमेंट अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड, मतलब एनुइटी, सुपर एनुएशन. इस तरह का फंड का जो पैसा है, ये अगर आपका एम्प्लॉयर आपके लिए भर रहा है, ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड सर, बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ SSE, to the extent if it exceeds, to the extent it exceeds kitna 7.5 lakh, theek hai, by the employer to the account of the SSE to the extent it exceeds 7.5 lakh. ठीक है, अगर ये 7.5 लाख को एक्सेप्ट करके निकल जाते हैं
जितना एक्सेप्ट करेगा वो सारा का सारा पार्क्विजिट्स माना जाएगा, ठीक है, और ये पार्क्विजिट्स माना जाएगा। सर यहाँ पर बी क्यों, सुपरनेशन फंड, सर ये बी नहीं होगा सर, बाय सर, ठीक है मैंने बाय लिखा था, बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एसएससी टू द एक्सटेंट ऑफ द 7.5 लाख, ये आपका टैक्सेबल कैटेगरी में चलेगा, ठीक है। बाद में जब क्वेश्चन के अंदर करेंगे थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगा कैसे हिसाब होगा। प्रोफार्मा हो रहा है तो पहले थोड़ा प्रोफार्मा को लिख लेते हैं सर। अच्छा और कुछ हो सकता है क्या? अरे और भी है, एनुअल डाइड आउट ऑफ कॉलम दी दो। हाँ बोल, क्या बोला? हीटेड अमाउंट की से डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम दी दो। यस यस यस, डायरेक्ट आउटर में देता, डायरेक्ट आउटर में देता सर। और भी कुछ हो सकता है क्या? यस, एनुअल एक्रिशन बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और एनी अदर अमाउंट, एनी अमाउंट ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, मतलब किसी इंटरेस्ट वगैरह, ठीक है, किसी डिविडेंड वगैरह अगर एक्विजिशन हो रहा है, ठीक है, किसके पास? एम्प्लॉय के पास, तो एक्चुअली एम्प्लॉय की तरफ से हो रहा है। ड्यूरिंग पीवाई लिख लो, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस ऑफ, टू द बैलेंस ऑफ एट द क्रेडिट ऑफ RPF, RPF क्या होता है? Recognized Provident Fund, तो the credit of Recognized Provident Fund और NPS और Approved Superannuation Fund to the extent it relates to employer contribution, relates to employer contribution which is included in total income in any previous year under section 17 subsection 2 clause 7. ठीक है, ये जो भी अमाउंट होगा ये भी आपका मतलब कोई इंटरेस्ट हो, कोई डिविडेंड वगैरह हो जो इस फंड में आता है, उससे भी जो एम्प्लॉयर के तरफ से आ रहा है उतना अमाउंट भी क्या हो जाएगा, उतना अमाउंट भी टैक्सेबल कैटेगरी में, बस इतना कहा गया। ठीक है, बाकी जब प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको और थोड़ा सा क्लैरिटी में समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ई। ठीक है, इसके बाद एफ में चलते हैं सर। कितना तक पॉइंट हुआ सर ये हम लोगों का?
0.5 में ए बी सी डी ई ई हुआ ना, हाँ। फिर आता है एफ, एफ में क्या आ सकता है सर? एफ में आता है वैल्यू ऑफ मोटर कार, कोई ऐसा कोई बात नहीं कि एफ में वैल्यू ऑफ मोटर कार के आना चाहिए, बट एक सिंपल वैल्यू ऑफ मोटर कार सर इसमें ना एफ, एक काम करके रखो, वर्किंग नोट करके रखो, रेफर वर्किंग नोट, बाद में कराएंगे डिटेल्स है इसका, ठीक है? इसका इसका डिटेल्स है सर, वर्किंग नोट कराएंगे इसका, तो बाद में जब कराएंगे नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली मोटर कार बता देंगे, तो वैल्यू ऑफ मोटर कार उसमें हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे मोटर कार का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है? तो जो भी अमाउंट होगा उसको आउटर में दे दो, लेकिन ये भी पाकूजीत है जी, एनी अदर पाकूजीत, एनी अदर में फॉर एग्जांपल 0.1 लिखो सर, थोड़ा सा लिखना है, प्रोविजन ऑफ सर्विस ऑफ ए, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज ऑफ ए स्वीपर, मानो कि आपके घर में आप एम्प्लॉय हो, आपके घर में स्वीपर दिया गया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में देते हैं ना आजकल, तो प्राइवेट में भी देते हैं, स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन और पर्सनल अटेंडेंट, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोलो सर, कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्वीपर गार्डनर पर्सनल अटेंडेंट के हिसाब से आपको जो भी मिलेगा अमाउंट, ठीक है, उसका जो कॉस्ट है तो इसका हिसाब क्या होता है, उसका हिसाब क्या होता है, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर का कॉस्ट पड़ता है बाय वे ऑफ सैलरी पेड, बाय वे ऑफ सैलरी पेड और पेएबल माइनस माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, मतलब अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से होता मिलता है तो अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय उसको माइनस कर देना है, तो एम्प्लॉय जो खुद से देगा वो थोड़ी ना सैलरी का पार्ट होना चाहिए, जो एम्प्लॉयर देगा वही सैलरी का पार्ट होना चाहिए, माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, ठीक है? ये आपका अमाउंट जो भी आएगा ये आ सकता है आउटर में, है ना सर? समझ में आ रहा है? हेलो, ये सब एनी अदर प्रोविजंस पे बात कर रहे हैं सर, इसमें और भी हैं, ये तो था एक पॉइंट नंबर वन कर दो इसको, पॉइंट जी का पॉइंट वन हो गया, पॉइंट जी का पॉइंट टू करो, जैसे मानो कंपनी की तरफ से या एम्प्लॉयर की तरफ से गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाइड बाय एम्प्लॉयर, फॉर हाउसहोल्ड कंजम्पशन, फॉर हाउसहोल्ड कंजम्पशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, अमाउंट ऑफ पेड बाय द एम्प्लॉयर और माइनस रिकवर्ड अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट ऑफ अमाउंट पेड ऑन द अकाउंट बाय द एम्प्लॉयर टू द एजेंसी, एजेंसी मतलब जैसे गैस सप्लाइंग एजेंसी होता है ना, टू द एजेंसी सप्लाइंग गैस, वाटर एटसेट्रा माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, माइनस अमाउंट पेड बाय, ठीक है?
3 provision of free or concessional education facilities. For any member of household employee for any member of employee's household. मतलब अगर आप किसी भी तरह का एजुकेशनल कंसेशन लेते हो एम्प्लॉयर से, वो भी एक तरह का क्या हो गया, पार्क्विजिट्स हो गया, तो उसका भी हिसाब होना चाहिए. तो क्या हिसाब होगा? सम इक्वल टू द एक्सपेंस पेड बाय एम्प्लॉय, इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, पेड और इनकर्ड जो भी बोलो, इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, माइनस अमाउंट पेड बाय, ठीक है, ई मतलब एम्प्लॉय. सर लिखा यहां तक? लिख लिया आप लोगों ने? हेलो. हाँ सर. तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 तक पहुंचे, जहाँ पर ये भी एक पाकुचिट है कि एजुकेशनल कंसेशन मिलता है, प्रोविजंस ऑफ फ्री और कंसेशनल एजुकेशन फैसिलिटीज फॉर एनी मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय और हाउस होल्ड, ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ द एम्प्लॉयर मेंबर ऑफ एम्प्लॉयर हाउस होल्ड, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉयज हाउस होल्ड. उसमें क्या हिसाब होगा? सम इक्वल टू द एक्सपेंस इनकर्ड बाई एम्प्लॉयर माइनस अमाउंट पेड बाई एम्प्लॉय, अगर कुछ है तो. लेकिन सर इसमें भी ना, इस पॉइंट में भी खेल है. क्या खेल है बोलो तो? इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन मेंटेन कर रहा है, इसका एक खेल आ जाता है. यस ना? स्कूल कंपनी का है, जैसे टाटा रिलायंस वगैरह स्कूल अपना भी बनाता है, ठीक है, बिड़ला का स्कूल बहुत सारा है. तो स्कूल कंपनी का है कि स्कूल सरकार का है, मतलब आसपास में कोई लोकल स्कूल है वहां पर दे रहा है, तो उसके ऊपर बेसिस करके आपका पाकुजिट्स का हिसाब किया जाएगा. तो उसमें लिखिए सर, इसी पॉइंट के अंदर, पॉइंट नंबर 3 के अंदर ही चल रहा है, वेयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज मेंटेन्ड एंड ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. अगर स्कूल एम्प्लॉयर का है तो क्या होगा, और अगर स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है तो क्या होगा? बात समझे कि नहीं? हेलो. यस सर. कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन और नियर द लोकेलिटी, जिस एरिया में सिमिलर, अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है तो उसका क्या खर्चा है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो उसका क्या खर्चा है, उसके साथ कंपेयर किया जाएगा. तो कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन, सिमिलर फैसिलिटीज वाला नियर द लोकेलिटी, इससे माइनस करना पड़ता है अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम हाउएवर सर हाउएवर देयर वुड बी
नो पार्क्स इफ द वैल्यू ऑफ बेनिफिट पर चाइल्ड does not exceed $1,000 per month. 1 to be noted sir. Perquisites तभी मानेंगे और taxable करेंगे जब वो 1,000 से ऊपर हो per month के हिसाब से. Per child benefit अगर 1,000 से ज़्यादा हो तभी perquisites में आएगा. But अगर 1,000 के कम है मतलब सरकारी type of benefit है, ठीक है? सरकारी type of matter है, तो फिर सरकारी school में जैसा होता है तो उसको पार्कोजिट से नहीं माना जाएगा, ठीक है? उसको पार्कोजिट से नहीं माना जाएगा. एक नोट लिख लो, इतना देर से जो पार्कोजिट के बारे में बोला मैंने तो लिख दो, अबव पार्कोजिट्स आर टैक्सेबल ओनली in case of specified in, right? ठीक है, specified employees के केस में ऐसा होता है. अब आपके मन में चल रहा है specified employee क्या होता है, डिस्कस कर देंगे बाद में, ठीक है? अच्छा, लेकिन हम लोगों का अभी कंटिन्यूशन में चलेगा. पॉइंट नंबर 4, मतलब perquisites में चल रहा है सर, मतलब perquisites में पॉइंट एफ के अंदर जो चल रहे ना 1, 2, 3 करके, उसी में फोर्थ पॉइंट सर, ठीक है सर. अगर कंपनी से किसी को कंसेशनल लोन मिलता है, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, मतलब मार्केट में जो लोन का रेट है उससे कम रेट में आपको अगर कंपनी से लोन मिलता है, और लोन का अमाउंट अगर एक्सीडिंग रुपीज 20,000 हो, तो इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन एक्सीडिंग रुपीज 20,000 हो तो क्या होगा, ये भी एक पार्क्स माना जाएगा. इसमें हिसाब क्या होता है, इंटरेस्ट जो कंपाउंड होता है या कंप्यूटेड होता है, सॉरी, इंटरेस्ट कंप्यूटेड एट द रेट चार्ज्ड बाय State Bank of India, SBI, as on first day of relevant previous year in respect of loans for similar स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में सिमिलर पर्पस में जो लोन का जो इंटरेस्ट रेट लगाता है वही इंटरेस्ट रेट को माना जाएगा. मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ऑन थिंग पता सिमिलर पर्पस ऑन मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस, इसी में तो इंटरेस्ट चार्ज होता है जो आपका बाकी अमाउंट है. मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग मंथली बैलेंस इससे माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय एमपी, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाई एम्प्लॉय, मतलब अगर एम्प्लॉय की तरफ से कुछ इंटरेस्ट पे हुआ है तो उसको माइनस कर देंगे. तो बेसिकली जो इंटरेस्ट अमाउंट एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है या फिर एम्प्लॉयर आपको बेनिफिट दे रहा है वो अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है? क्लियर है सर बात? यहाँ आउटर में लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज आउटर में ये वाला पॉइंट में ही आपका कवर हो जाएगा, ये जो पॉइंट नंबर ई, ठीक है, ये सब चल रहा है. पॉइंट नंबर सॉरी एफ, तो एफ जी जी सॉरी जी एनी अदर पार्क्विजिस के अंदर ही चल रहा है, जो भी होगा इधर आ जाए, सब जी का पार्ट है, जी में ही पॉइंट 1, 2, 3, 4 करके चल रहा है. बोलो सर, समझ में आया अभी तक? फोर्थ पॉइंट समझ में आ गया सर? लास्ट लाइन था बाकी, पेड बाय एम्प्लॉय माइनस रेट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय, इंटरेस्ट एक्चुअली पेड बाय एम्प्लॉय. बाकी सबका समझ में आ रहा है सर? रोशनी, नील, इनकी,
स्नेहाशीष, स्नेहेश, शवनीता, बोलो सर, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ओके सर, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट क्या है सर? वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट मिलता है, वाउचर मिलता है, इसको भी पार्किसिस माना जाता है, इसका भी हिसाब क्या होगा? सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ सच गिफ्ट इफ वैल्यू ऑफ गिफ्ट और वाउचर, वैल्यू ऑफ गिफ्ट वाउचर इज बिलो 5000, इज बिलो 5000, अगर गिफ्ट वाउचर का वैल्यू 5000 से कम है, देयर वुड बी नो पर्स, देयर वुड बी नो पर्स। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट सिक्स, इसमें भी एक वर्किंग नोट आ जाएगा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट्स। जैसे मोटर कार का है ना, उसी तरह का कॉन्सेप्ट है मूवेबल एसेट्स। अगर कंपनी का कोई मूवेबल एसेट्स आप यूज करते हो, लाइक लैपटॉप वगैरह समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्या टैक्सेबिलिटीज आ सकता है उसका एक हिसाब है। इसमें भी आप वर्किंग नोट रेफर करके रख लो, बाद में लिखाएंगे, लेकिन जो भी अमाउंट होगा वो आ जाएगा। पॉइंट नंबर सेवन, पॉइंट नंबर जी के अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट टू एम्प्लॉयर माइनस कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेयर एंड टियर माइनस अमाउंट पेड और रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। ये जो भी मूवेबल एसेट का ट्रांसफर होगा उसका जो एम्प्लॉयर का कॉस्ट रहेगा उससे नॉर्मल वेयर एंड टियर को माइनस करेंगे, मतलब डेप्रिसिएशन को, और जो भी अमाउंट रिकवर होगा एम्प्लॉय से उसे भी माइनस करेंगे, तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो आपका क्या हो जाएगा? पार्क्विजिट्स माना जाएगा। ठीक है सर, पार्क्विजिट्स का लिस्ट लंबा है। यस, लिस्ट लंबा है। पॉइंट नंबर सिक्स में आ जाओ सर। एनी अदर पार्क्विजिट्स कंप्लीट करवा दिए, एनी अदर पार्क्विजिट्स का जो भी है मैं बता दिया। इसके साथ आपको यहाँ पर लीव ट्रैवल कंसेशन मिल सकता है, ये भी एक पार्क्विजिट्स है। ये सब टैक्सेबल पार्क्विजिट्स का पॉइंट था। अब आपको मैं हाँ बोलो, सिक्स या सेवन तो होएगा लोगों ने ना, पॉइंट फाइव के अंदर चल रहा था ये। देखो सर, ये पॉइंट फाइव टैक्सेबल पार्क्विजिट्स का पॉइंट चल रहा था। टैक्सेबल पार्क्विजिट्स का एरिया कंप्लीट हुआ, अब तब जाके मैं लीव ट्रैवल कंसेशन स्टार्ट कर रहा हूं। ओ माने सर पार्क्विजिट्स एरिया का शेष हो गया, मैं पढ़े जो पार्ट से रहा। यस यस यस, ठीक है। लीव ट्रैवल कंसेशन में यहां पर लेस कर दो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, बेसिकली यहाँ से ना रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो लीव ट्रैवल कंसेशन ये सेक्शन एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 का पार्ट है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 5। ठीक है, इसका वर्किंग नोट होगा, लिख के रख लो। अच्छा सेवन, अब सब रिटायरमेंट बेनिफिट है, ग्रेचुइटी आ जाएगा, इसका भी वर्किंग नोट होगा। ग्रेचुइटी में सेक्शन 10 सबसेक्शन 10
उसके तहत आपको एग्जेम्पशन मिलेगा सर, ठीक है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 के तहत एग्जेम्पशन मिलेगा, इसमें भी वर्किंग नोट लिख के रखो, नेक्स्ट क्लास में वही करेंगे सर। ग्रेचुटी, लीव ट्रैवल, ठीक है, पेंशन, एज। पेंशन में दो तरह का पेंशन आएगा, कमिटेड अनकमिटेड, ठीक है। पेंशन में भी एग्जेम्पशन आएगा, एग्जेम्पशन जो आएगा ना सर वो बेसिकली सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 ए का पार्ट है, इसमें भी वर्किंग नोट लिख के रखो और सब आउटर में अमाउंट निकाल के रखो सर। लीव ट्रैवल कंसेशन में भी अमाउंट आएगा, ग्रेचुटी में भी कुछ टैक्सेबल आ सकता है, पेंशन में भी कुछ आ जाएगा, ठीक है। सब वर्किंग नोट में बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। ये सब अलग अलग टॉपिक है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ना ये सब अलग अलग टॉपिक है। अच्छा, पॉइंट 8 हो गया, पॉइंट 9 लिख लो सर। ये सब अभी चार रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह में जा रहे हैं सर, 7, 8, 9, ठीक है, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट जा रहा है। नाइन में लिख लो सर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपेंसेशन, ये भी सेक्शन 10 का पार्ट है, इसमें भी एग्जेम्प्शन आता है लेकिन पूरा नहीं, अंडर सेक्शन 10 10C, ठीक है, इसमें भी वर्किंग नोट लिख के रखो सर। ये सब अलग अलग डिटेल्स बनेगा, इसमें भी अमाउंट आएगा, जो भी आएगा सब हिसाब किताब करके आएगा। एक आता है सर लीव एनकैशमेंट, मतलब छुट्टी अगर नहीं लेते हो आप और उसके बदले में काम करते हो तो बाद में कंपनी आपको उसका अमाउंट का क्रेडिट करके आपको पेमेंट करता है, लीव एनकैशमेंट। इससे भी आपको एग्जेम्प्शन मिल सकता है लेकिन नॉट टोटल अमाउंट एग्जेम्प्शन मिलेगा, उसमें भी सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA, 10 सबसेक्शन 10AA का पार्ट है। क्या करोगे, इसमें भी वर्किंग नोट लिख के रखोगे क्योंकि ये सभी टॉपिक अलग अलग डिस्कशंस होगा। 9, 10, 11 और एक रिटायरमेंट है सर वॉलेंटरी सॉरी वॉलेंटरी तो बता दिया ना, वॉलेंटरी बता दिया सर। एक आता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, क्या आता है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, इसमें भी आपको डिडक्शन एग्जेम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 10 10B का पार्ट है सर, इसमें भी हिसाब किताब आएगा और आपको बाकी अमाउंट टैक्सेबल करना पड़ेगा, इसका हिसाब किताब है सर। ये सभी वर्किंग नोट जहां जहां मैं लिख रहा हूँ आप समझ लो कि इसका अलग कैलकुलेशन होगा। और क्या, कितना हो गया सर, 12 पॉइंट हुआ। हाँ ठीक है, पेंशन को मैंने एक ही किया, ठीक है, नो इशू। एक्चुअली यहाँ पर एक पेंशन के अंदर ना दो पार्ट आता है, पेंशन में एक कमिटेड होता है एक अनकमिटेड होता है, जो कमिटेड होता है ना पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। यहाँ पर लिख लो तो पेंशन में अगर कम्यूटेड है, ठीक है, तो सॉरी अनकम्यूटेड है, ऐसे जरूरी नहीं है क्योंकि मैं नोट्स में लिखाऊंगा, छोड़ दो सर छोड़ दो, यहाँ पर बेकार में जगह ले लेगा, ठीक है। पेंशन में टैक्सेबल भी होता है, अनकमिटेड होगा तो टैक्सेबल, कमिटेड होगा तो एग्जेम्पशन आता है, तो वो नोट्स में ही बताऊंगा, अच्छा रहेगा बिकॉज यहाँ पर एक साथ ना खिचड़ी पक जाएगा, छोड़ दो। अच्छा, तो इतना सारा हो गया रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है। अब आपका लास्ट पार्ट, जब सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाए, ठीक है, जब सारा का सारा कैलकुलेशन हो जाए तब आपको मिलता है, क्या मिलेगा सर बोलो, ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी, लेकिन जो वर्किंग नोट है वो सीखना है अभी, ठीक है। अब ग्रॉस सैलरी से आपको लेस करने का मौका मिलेगा डिडक्शन, ये सैलरी का डिडक्शन अंडर सेक्शन
16. अब 16 के अंदर भी कुछ चर्चा का विषय है, जैसे कि एक सेक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन का. ये अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A का विषय है. तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A में बताते हैं वो है अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000, मतलब जो भी सैलरी होगा और 50,000, विच एवर इज लेस. मतलब क्या हुआ, विच एवर इज लोअर लिख लो, मतलब अमाउंट ऑफ सैलरी और 50,000 जो लोअर होगा वो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, वो डिडक्शन दे दिया जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन से. ठीक है, यही सिंपल सा बात है. 16 सबसेक्शन 1 ही बताता है, मतलब 50,000 तक का अगर किसी का ग्रॉस सैलरी आता है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना है. सर नेक्स्ट आ जाता है एंटरटेनमेंट. एंटरटेनमेंट अलाउंस जो पहले हम लोगों ने अलाउंस में देखा था, लेकिन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के हिसाब से ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. इसमें कुछ हिसाब किताब है. क्या हिसाब किताब है? लोअर ऑफ द फॉलोइंग. तीन अमाउंट है इनमें से जो लोअर होगा वो आपको डिडक्शन में मिलेगा. पॉइंट ए 5,000, अमाउंट 5,000 फिक्स्ड अमाउंट है सर. 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, जो आपका बेसिक रहेगा, बेसिक सैलरी का 1/5 जो अमाउंट आएगा, एंड एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड. एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वो आपका डिडक्शन के लिए जाएगा. ठीक है, ये 16 सबसेक्शन 2 का बात है. देयर इज अनदर पॉइंट डिडक्शंस में, प्रोफेशनल टैक्स. या फिर इसको टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं. पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, चाहे एम्प्लॉयर दे चाहे एम्प्लॉय दे, अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, चाहे एम्प्लॉयर पे करे चाहे एम्प्लॉय पे करे, इसे भी डिडक्ट कर दिया जाएगा प्रोफेशनल टैक्स. बिकॉज टैक्स में टैक्स बार बार हो जाएगा ना, तो ये टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करे एम्प्लॉय पे करे इसको भी डिडक्शन दिया जाता है. ठीक है, जो भी अमाउंट होगा डिडक्ट हो जाएगा. सारा का सारा हिसाब हो गया, जो अमाउंट आएगा क्या बोलेंगे इसको, इनकम अंडर द हेड ठीक है सर. हेलो, यस सर. ये है ओवरऑल प्रोफॉर्मा. ठीक है, इतना सारा चीज आपको अभी जानना है. जहां जहां वर्किंग नोट लिखा हम लोगों ने, मतलब समझ लो जब वो सारा वर्किंग नोट आप समझ जाओगे तब आप एक कंप्लीट सैलरी का क्वेश्चंस भी कर पाओगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास अलग अलग सेक्शंस के बारे में जानना, जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट का एरिया, जैसे कि अलग अलग पाक्विजिट्स का एरिया, ये सब अलग अलग जान लेंगे. उसके बाद हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे. मतलब एक्चुअली सैलरी ना पार्ट पार्ट में, अगर आप सैलरी का पार्ट पार्ट को समझोगे तो ही सैलरी कर पाओगे. सैलरी को समझना है तो सैलरी का प्रोफॉर्मा को समझो. इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट देन यू कैन इजीली कैलकुलेट एनी क्वेश्चंस फ्रॉम सैलरी. ठीक है सर, इसमें पार्ट का भी अलग से सवाल होता है और कंप्लीट क्वेश्चंस भी दिया सकता है. अगर आप पार्ट का भी सवाल समझ जाओगे और
एक एक पार्ट का सोल्यूशन कर दोगे तो कंप्लीट क्वेश्चन का जवाब भी दे पाओगे. दिस इज एक्चुअली हाउ यू कैन सॉल्व सेल्फ. ठीक है, समझ में आ गया सर? न्याशीष, संपद, ओके सर, रोशनी, नीन, ओके, पिंकी, क्लियर है ना? यस ठीक है सर. ठीक है, घर पे गो थ्रू करो प्रोफॉर्मा को, देखो अच्छे से. नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ठीक है, और बेसिकली वर्किंग्स चालू होगा, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट होगा. वर्किंग्स में ही क्वेश्चन है, दैट इज एक्चुअली सैलरी. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात को आगे बढ़ाएंगे. ओके सर, बाय. फिर नोट्स शेयर, यस नोट्स शेयर कर देंगे सर, नोट्स शेयर कर देंगे, सैलरी का कंप्लीट नोट शेयर करेंगे. ठीक, ओके सर, बाय, प्रणाम.